वीर सिंह का नाम सुन के जुलाब आ गया का? अपनी मौत को सामने देखकर सारी मर्दानगी हवा हो गई है? सामने आ, कहा था ना हमने जिस दिन आमना सामना होगा तू इस दुनिया से आजाद हो जाएगा। तो आ गए हम हमारे हाथों से जन्नुम में पहुंचाने के लिए। अमर विद्रोही बाहर आ जा वरना ये सारे बेमौत मारे जाएंगे। हाँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। और मैं 10 तक गिनूंगा। सरदार आपको तो 3 तक आता है। मैं 3 तक गिनूंगा। 1 नहीं 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 हमारे साथ कहाँ गए सर? 2 हमारे साथ आ गया आ गया अरे 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 क्या कर रहे? तू भूल गया तू पुलिस ऑफिसर है? पलक के पीछे क्यों छुपा है? बाहर निकल कुछ कर। कोई बात नहीं, पहले इन सबको एक एक करके मारूंगा तेरे आंखों के सामने, फिर तेरा काम तमाम करूंगा। पर उससे पहले इस लड़की को मारूंगा जिसके पीछे तू छुपा है। ठीक है लेकिन हमको कुछ हुआ क्यों नहीं? गोली चला लेकिन हमको कुछ लगा नहीं। हाँ बस शांत, अब यहाँ खत्म होता है कहानी का आखिरी भाग एक सुखद परिणाम के साथ। हाँ ये गोलियां ये डाकू ये सब नकली है, ये असली नहीं है। हाँ लेकिन ये घोड़े हस्ती है, ये कॉस्ट्यूम ये बंदूक सब भाड़े पे है। ए इकबाल देख क्या रहा है, बिल देना इनको। एक सेकंड, ये देखो इन लोगों को बिरयानी खिलाई और सारा खर्चा 70 रुपए हमने समोसा खाया, वो सब हमें दे देना, ऑनलाइन भी चलेगा। अच्छा ये कॉस्ट्यूम है ना अपने ताहिर भाई कॉस्ट्यूम है ना, उनको देना। अरे इनके लिए तालियां बजाओ, इतना अच्छा काम किया है, नाटक किया है। जी तो ये नाटक इसलिए किया था ताकि ऐसी परिस्थितियों में जहाँ सवाल जिंदगी और मौत का होता है तो कौन पलक और मौत के बीच में एकदम सीना तान के खड़ा होता है और अपनी जान दांव पे लगाता है, उसका पति सुधीर या उसका प्रेमी राहुल। देखिए आपने ना प्यार में बहुत बकैतियां सुनी होगी कि तुम जान से प्यारी हो, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुम जान हमारी और वगैरह वगैरह दुनिया भर का बकैती। जब वास्तविकता में ऐसी परिस्थिति आती है ना तो ये सारी बकैती है ना वो हवा हो जाती है। सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला है जो जिंदगी और मौत के बीच ऐसे सीना तान के खड़ा होता है, जैसे कि ये सुधीर बिना अपनी प्राण की परवाह की अपनी पत्नी के प्राण बचाने के लिए एकदम बंदूक की नोक पे आके खड़ा हो गया। तो कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगेगा ये समझने में कि तुमसे सच्चा प्यार कौन करता है। मैम ये क्या बात हुई, ऐसी सिचुएशन पे तो कोई भी अपनी जान पहले बचाएगा ना। अगर मैं बंदूक के सामने नहीं आया इसका मतलब मैं पलक से प्यार नहीं करता। तुम पलक को सिर्फ पसंद करते हो, प्यार सुधीर करता है, इसलिए उसने तुम्हारी तरह कैलकुलेशन नहीं की। उस सिचुएशन में जो सही लगा पलक की जान बचाने के लिए उसने वही किया। ये सब परवाह नहीं की उसकी जान भी जा सकती है इन सब में, ये प्यार है। और तुम पलक, तुम बहुत परेशान थी ना कि कौन वो इंसान होगा जो तुम्हारा जीवन भर साथ निभाएगा। अब बाकी तुम इतनी समझदार हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। पलक मिस्टर रोहित, आई थिंक तुम्हें भी पलक के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सर मेरे भाई, सॉरी एंड गुड लक। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली अमर सर का। आप सबने हमारे लिए जो किया है ना उसके लिए ये तो जरूर बनता है।
देखा दीदी, हमने आपसे कहा था ना कि आपके भैया बहुत कमाल के हैं और 5 घंटे के अंदर अंदर केस सॉल्व कर देंगे। अभी 2 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, घड़ी देखिए, आपके भैया ने जो है वो केस उल्टा दिया। और नहीं तो क्या? अरे हम तो हमेशा कहते आए हैं अमर सर जैसा होनहार, होशियार, समझदार। बस 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 बस, बस पुष्पा जी समझ गई, थैंक यू सो मच। अमर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं घर जाके पापा को तेरी पूरी अचीवमेंट की कहानी सुनाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले कि हमारा छोटू अब छोटू नहीं रहा, बड़ा हो गया। अच्छा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो मैं चलती हूँ, ओके? इतना सरप्राइजिंगली क्यों देख रहा है? अरे वो यहाँ रुकने वाली बात तो मैंने यूं ही कह दी थी ताकि तेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बना रहे और तू ये केस सॉल्व जल्दी से जल्दी कर ले, और वही हुआ। अपना ख्याल रखना, कीप इट अप। आप भी ख्याल रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। अरे हाँ, वो मेडल तो रह गया जिसको कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ आई थी। दीवान जी, ये लीजिए। अरे दीदी, मैं चलता हूँ आपको ड्रॉप करने। नो, इट्स ओके। आई थिंक तुम्हारी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है, SHO अमर विद्रोही। और ड्यूटी के बाद छोटू। सर मैं छोड़ कर आता हूँ, आइए। ओके, थैंक यू सो मच, आपका ये एहसान रहा मेरे ऊपर, वक्त आने पर जरूर चुकाऊंगा। सर, इंसानियत के खाते में इंसानियत डिपॉजिट होता है, चुकाते समय बस ये याद रखिएगा। कैसी कैसी हवा हवाई बहू मिली आप, मोटरसाइकिल को रॉकेट बनाकर उड़ा दी हवा में। अरे कैसे कैसे चला रही आप बाइक, क्या हो गया, कैसे चला? ओहो, अब ये समय टंटा करने का, इस समय झगड़ा करेंगे आप हमसे, देर हो रही ना, हमें थाना पहुंचना है ना जल्दी, और बाइक चलाने नहीं आती तो फिर साइकिल क्यों नहीं ले लेती? आपको आता चलाने? हाँ। उतरिए, जल्दी उतरिए। क्या कर रही हैं आप? आइए चलाइए। हाँ? हमको नहीं आता ना चलाने, तेज चलाए तो दिक्कत, धीरे चलाए तो दिक्कत, तसल्ली आपको मिलता नहीं है, तो हम आपके पीछे तसल्ली से बैठेंगे, आप चलाइए, तेज चलाइए, धीरे चलाइए, उड़ाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलाइए। हाँ हाँ, धौंस मत जमाइए, आपको क्या लगता है हमें बाइक चलानी नहीं आती? अरे आपकी उम्र में ना मोहल्ले वालों की नींद उड़ा के रख दी थी हमने, प्राण कांपते थे सबके हमारी रफ्तार से। तो कपाइए ना हमारे प्राण भी, हम भी देखें ऐसा कौन सा रफ्तार है आपका कि मोहल्ले वालों का नींद उड़ जाता है। देखिए देखिए, हम पहले ही चेता रहे आपको, आपके प्राण हालत में आ जाएंगे, बाद में ये मत कहना कि हमने आपको चेताया। चेत गए हम, चेत गए, हमें कांपते हैं पीछे बैठ के, हमें देखना आपका कौन सा रफ्तार है, हम चेत गए, चलाइए। भैया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत तेज चला रही है। सासू मैया। हाँ भाई, अम्मा जी, नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम धन्यवाद धन्यवाद, आप जाइए, हो गया घोस्ट राइडर का घोस्ट टोस्ट। हाँ, अरे पता है हमें, आपने जानबूझकर ऐसी खराब बाइक हमें दे दी ताकि हम गिर जाए, हम मर जाए। हाँ, और ये एक्सीडेंट लगे, आप पर कोई इल्जाम भी ना है ना। हाँ, अपनी सास की सांस बंद करने का, अपनी सास से जान छुड़ाने के लिए उसी की सांस बंद करने का क्या शानदार प्लान बनाया आपने, हम सब समझ रहे हैं, मगर अभी जाए कहाँ से, कैसे जाए हम यहाँ से अब? यारी बाइक चूमर बना दिया हमारी बाइक का, अब हमको क्या पता क्या। अरे बारिश भी शुरू हो गई। मेहरबा होकर बुला लो जिस दम, हम कोई गया वक्त तो नहीं कि फिर लौट के आ भी ना सके। पांडे, हे
पंखुरी पांडे। पान में मिलाओ तो शहद और मुलेठी में मिलाओ तो जहर। याद तो होगा ही आपको। ये हुई ना बात, निकलो भाई। हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है। पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत, वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। अब क्या करे, ज्यादा दिन तक अपने फैन से दूर रहा नहीं गया, तो बस इतने मीठे से बुलाए कि आना ही पड़ा। मिस्री पांडे इज बैक। करिश्मा सिंह जी, आपसे दोबारा मिलके बहुत बहुत आनंद आया। चलिए आइए बैठिए, हम आपको छोड़ देते, उसी तरफ जा रहे हैं। जय माता दी बोल के गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, अगर आप हमें देखकर घबरा गए, बौखला गए हैं, असहज हो गए, तो फिर बात और। अरे चलिए बैठिए, आइए। हाँ, वो बाइक को साइड में लगवा कर आते हैं। शोर शराबा किस बात का? कहीं थाना अमर सर के नाम तो नहीं हो गया? कहीं ये सब नए थाने की खुशी में तो नहीं आए हैं? नए थाने के नहीं पुष्पा जी, थाने के नए SHO के। SHO मिस्री पांडे। SHO का नाचो गाओ खुशियां मनाओ, इस पुलिस थाने की किस्मत बदलने वाली है। सुनो, पब्लिक की भारी डिमांड पर फाइनली मिस्री पांडे इज बैक। बचाओ। महिला थाने तक तो हम पहुंच गए हैं, अब हमें हसीना मलिक तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ऑर्डर दे रहे। सीनियर है नाम आपकी, सोच लीजिएगा। अब यहाँ आकर हमारे साथ नाचना है या फिर लाइन हाजिर करके पूरे एक महीने तक हेडक्वार्टर के हर किसी छोटे मोटे पुलिस कर्मचारियों के इशारों पे नाचना है। बजाओ। आइए आइए पुष्पा जी, जरा आपके साथ थोड़ा सा हो जाए। आ गया। कौन आ गया? अबे छापड़ी के मेरा पहला प्यार मिस्री पांडे, वो खुद नहीं आई है, मेरा प्यार उसको खींच के लाया है। तुम्हारी मौत खींच के लाई है, भूल गए खींच के ले गए थे एनकाउंटर करने के लिए तुम्हारा। ए रुक।
अरे प्यार में जान देनी पड़ती है, हम तो इनकाउंटर खेल रहे थे। तुम देखना, कुछ साल के बाद इस थाने में हमारे छोटे छोटे इनकाउंटर खेल रहे होंगे। तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं स्वागत। आओ सब लोग, तुम भी जाओ। कटो यहाँ से सबके साथ। बस 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 जाओ, अभी जाओ, सब लोग जाओ। करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद। ये कौन सी नई बला है? इनके आने से यहाँ माहौल बहुत ही टेंस हो गया। कौन है, कौन ये मोहतरमा? सर हमें तो ऐसे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ही फीमेल फजीहत दिखा ना, मतलब जितना फीमेल के बारे में आपने अच्छा अच्छा सुना होगा आज तक, वो आपने अनुभव महिला थाना में कर ही लिया होगा। और जो बवाल आज तक सुना होगा ना महिलाओं के बारे में, वो आप अब अनुभव करेंगे। मिश्री पांडे आपको अनुभव करवाएंगे। वाह, इतना भारी इंट्रोडक्शन। अगर करिश्मा सिंह बोल रही है तो कुछ तो बात होगी मिस मिस्त्री में। तो बताइए क्या चीज, क्या है ये? पिछली बार आई थी ना, वो सबकी जिंदगी जानू बना के रख दी थी ना। तुम दोनों ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता। हसीना मैडम से तो एकदम 36 का आंकड़ा है। पुष्पा जी महिला पुलिस थाना के SHO मिश्री पांडे, मैडम का ना बुलावा है आपके लिए। इसको कहते हैं लंका लगना। आप सब लोग को बुलाई हो। तो अब बात ऐसी है कि हम जानते हैं कि इस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जिसको कभी दोबारा देखने की उम्मीद ही नहीं की थी, वो सामने आके खड़ी हो गई, वो भी एक्स्ट्रा पावर के साथ। कोई अग्रिम सूचना नहीं, कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं, बस सीधा एंट्री आपके थाने में भी और आपकी कुंडली में भी। अब क्या करें, अपनी फितरत ही बुरे वक्त जैसी होती है, जब भी आती है बिना वजह ही आती है। शोर हमारे आने का नहीं होता है, शोर हमारे आ जाने का होता है, जो कि आप सबको सुनाई देगा। ये हमारा ट्रांसफर ऑर्डर। तत्काल आदेश से हमें भेजा गया है यहाँ पर हसीना मलिक की जगह पर, यानी कि अब हम हैं इस थाने के नए SHO। अमर विद्रोही जी, अरे बहुत सुना है आपके बारे में हमने, आपके काफी चर्चे हैं डिपार्टमेंट में। थैंक यू। और हमने ये भी सुना है कि इस थाने को लेकर काफी छीना झपटी चल रही है आपके और महिला थाने वालों के बीच। खैर अब जीत किसी की भी हो, हमारे एंटरटेनमेंट का इंतजाम तो हो गया है भाई। वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ तो भाई, अब बदकिस्मती की बात यह है कि इस थाने का जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिन्हें हम तो मिस कर ही रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी मिस कर ही रहे होंगे, हसीना मलिक। तो अब आप सब लोग उन्हें यहाँ पे मिस ना करें और उनकी मौजूदगी हर पल इस थाने में बनी रहे, इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत 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 पसंद आएगा। हो गया आपका, थैंक यू। अरे अमर विद्रोही जी आइए ना, आप भी इस तोहफे का उद्घाटन करने में हमारा साथ दीजिए। अरे आइए आइए। तो शुरू करें। Wanted